हरियाणा विधानसभा चुनावों के तहत आज हम अजरोंदा गांव सेक्टर 15A फरीदाबाद विधानसभा में खड़े हैं। आप खुद देखिए इस सड़क का हाल। यह सड़क पिछले 5 सालों से ऐसे एज इट इज़ ऐसी ही है और जरा सी बारिश में यहां पर इतना पानी भर जाता है मानो जैसे तालाब बन जाता हो। सड़क का हाल देखिए, यह देखिए सीवर ओवरफ्लो हुआ पड़ा है। और सामने की सड़क का हाल देखिए आप, लगता है कभी बनी ही नहीं है सड़क। अगर सफाई की बात करें तो नाम मात्र बिल्कुल सफाई दिखती ही नहीं है। यह अजरोंदा गांव का सीन है। आइए थोड़ा अजरोंदा गांव के अंदर चलते हैं। आप देखिए यह सड़क पिछले 15 दिनों से खोदी हुई है और बोला गया है कि इस सड़क को बनाया जाएगा। चुनावों का टाइम आया तो इस सड़क को बनाया जाएगा। पिछले 5 सालों से यह सड़क बिल्कुल ही खस्ता हाल में थी। आइए लोगों से करते हैं बातचीत। विजय जी, हम फरीदाबाद विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं, तो फरीदाबाद विधानसभा में आपके हिसाब से क्या काम हुआ और कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ के विधायक से? विधायक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एक पैसे काम नहीं कर रही है। सीवर की इतनी प्रॉब्लम है हमारे 15 सेक्टर में, पानी भरा पड़ा है, अंदर पानी फ्लो। मंत्री वो तो कह रहे हैं मैंने बड़ा विकास कार्य करा है, सबसे और जगह किया होगा। देखिए यहाँ आप खुद ही देखो जुंदा की हालत है। मैं इसमें जुंदा ही खड़ा हूँ, देख लो आपकी हालत है यहाँ। तो आप संतुष्ट नहीं है विधायक से? मनोज जी, कितने सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ के स्थानीय विधायक से? ज़्यादा नहीं है भाई, यहाँ जो है ना ये सही कह रहे हैं, जो यहाँ की हमारी अपनी डेवलपमेंट है ना वो ना नाम मात्र हो रहा है। सीवर में पानी देख लो, अगर जरा सी बारिश हो जाए पानी भर जाता है और उसी को लेकर जोर जोर कह रहे हैं कि भाई हम सीवर पर ध्यान। तो ये समस्या तो पिछले कांग्रेस के विधायक के टाइम भी थी और बीजेपी में वही दिक्कतें आ रही हैं ना। ये तो कह रहे हैं बड़ा काम किया है। काम करा होगा लेकिन हमारे यहाँ लोकल में इसमें नहीं है। काम तो सारे फरीदाबाद में हो रहा है, कोई हमारे यहाँ थोड़ी कोई ये इसमें करे तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करवा ही रही है। लेकिन कुल मिला के सी यहाँ जो मतलब स्थानीय विधायक का कोई सहयोग नहीं होगा, जितना शोर शराबा हुआ। लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने एरिया से? ना, हम इतने नहीं है। क्या नाम है जी आपका? पूरन चंद। पूरन चंद जी, यहाँ के फरीदाबाद विधानसभा में हम लोग हैं इस टाइम और यहाँ के जो विधायक हैं विपुल गोयल, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं पिछले 5 साल में अगर देखें? अभी तक तो काम अभी शुरू करा है, 5 साल में तो पहले कभी करा नहीं। मतलब 5 साल में नहीं कि अब चुनावों के टाइम शुरू हुआ है काम? देखो सड़कें बन रही है। अच्छा, पहले तो ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया। अच्छा, पहले भी 4-5 साल, अब तो 5 साल होने वाला है जी। लेकिन एक अब जाके 2 साल बाद ये सड़कों को नंबर लगाया है बनाने में। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 6-7 महीने पहले सीवर लाइन खोद दी और अभी तक हाँ भाई 2 साल पहले खोद दी थी। अच्छा, 2 साल तक ऐसी सड़क रही? ऐसी सड़क रही जैसे अब टूटी पड़ी है। जोगिंदर जी, कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ के स्थानीय विधायक के कामों से? हम तो बहुत ही मतलब बढ़िया काम हुआ है अब तक तो, और ऐसा पहली बार ही हुआ है अब विधायक के उसमें, इससे पहले कभी काम नहीं होता था। तो इसका आपका कहने का मतलब ये, इससे पहले जितने विधायक रहे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया? उन्होंने नहीं किया, जितना विपुल के टाइम में हुआ है। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं? क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर जी, हम लोग इस समय फरीदाबाद विधानसभा में खड़े हैं और ये अजरोंदा गांव है, आप यहाँ के निवासी हैं, कितने आप संतुष्ट हैं यहाँ के विधायक के कामों से? हम इसके कोई संतुष्ट नहीं है इसके काम से जी। कारण? कारण ये है कि ये 5 साल से ऐसे काम कर रहा है, सारी गली ऐसी पड़ी है, अल्लाह कोई सुविधा कुछ भी नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये सीवर के लिए जो खुदाई हुई है 5 साल में कभी पूरा ही नहीं हुआ? नहीं हुआ ये, अब कर रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा, नहीं पहले से अभी लोग आग जा रहे हैं, जब सुबह से परेशानी हो रही है बारिश में, सब बच्चे बूढ़े ऐसे परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या नाम है जी आपका? मेरा महेश सर है। महेश जी, क्या आप फरीदाबाद विधानसभा के विधायक से संतुष्ट हैं कामों से? कोई संतुष्ट नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या, सब परेशानी है यहाँ लोगों को, चलने नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं मैंने बड़ा काम करवाया, यहाँ कोई भी काम नहीं, तो गाँव में जाओ क्या हाल है, मैं आदमी लग रहा हूँ 5 साल में अब कर रहे हैं, अन्य आधा सदा भी पड़ा है सारा काम, कुछ नहीं कर रहे, कोई कमाई काम। अगर अजरोंदा गांव में स्वच्छता की बात करें तो लगता है जैसे कभी सफाई हुई नहीं है। देखिए गंदगी का हाल। आइए लोगों से और करते हैं बातचीत। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, क्या शिकायत है यहाँ के स्थानीय विधायक से आपको? यहाँ की शिकायत ये है जी, जब इस दौरान बने थे इनका स्वागत किया गांव वालों ने, बुलाया था। कौन से साल में किया था स्वागत? ये इसमें 2014 में जब ये विधायक बने थे। विधायक बने थे। अच्छा, स्वागत किया था फिर? हाँ जी, बनने के बाद आए तो उस टाइम इन्होंने बोला कि सेक्टर के अंदर सब काम हो पड़े, हमें सबसे पहले अपने गाँव और कॉलोनियों को देखना है,
और ये 5 साल के अंदर यहाँ तो कोई ऐसा हमें दिखाई दिया नहीं है विकास। ये भी बोल रहे हैं कि और जो सीवर लाइन भी बहुत छोटी लाइन डाली गई है, अगर इस लाइन को ना डाल दे, पुरानी लाइन रहती गांव के चारों तरफ बड़ी लाइन डाल देते तो ये समस्या नहीं होती है, आज भी समस्या होगी खड़ी सीवर लाइन की। अम्मा जी क्या शिकायत है यहाँ के स्थानीय विधायक से? शिकायत ये है भाई, ना तो कोई बंदा लगाया बच्चा नौकरी पे, बहुत बहुत पढ़े लिखे वाले डोल रहे हैं, कोई नहीं लगाया, बेरोजगारी बढ़ गई है। और ना ही 5 साल में अब वोट पन्ने को आ रही है ना, अब ये काम शुरू हो गया ने 5 साल में, यहाँ क्या नहीं है, 5 साल बड़ी दिक्कत रही है, 5 साल दिक्कत रही है। तो अब ये जो है बेवकूफ बना रहे जनता को, अब बेवकूफ नहीं बना रहे, वोट पड़ जाएंगे फिर पीछे गई 5 साल के, ऐसी पड़ी रही, ये ऐसे ही रहेंगे भाई। क्या नाम है आपका? दिक्कत है आपको यहाँ के विधायक से जो आपके दिक्कत है, ये भैया को काम नहीं करवाता, कोई काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया 5 साल। क्या नाम है आपका? रवि। क्या दिक्कत है आपको, युवा हो यहाँ के विधायक से क्या दिक्कत है? कुछ नहीं जी, थोड़ी बेरोजगारी बढ़ गई है और पैसा नहीं है हमारे, तो मैं कुछ काम करने जाते हैं तो जल्दी नौकरी नहीं मिलती। विधायक से क्या दिक्कत है? विधायक से यही दिक्कत है जी, हमारे मोहल्ले में काम वाम नहीं बना बस, और क्या ये सड़क बढ़ के तोड़ दिया है हमें, पानी बढ़ जाता बारिश का, दिन से सड़क खुद ही पड़ी है, लोग यहाँ पे गाड़ियों से क्या पैदल भी नहीं चल सकते हैं। आइए महिलाएं खड़ी हैं, इनसे करते हैं बातचीत और ये क्या बात कर रही हैं और किन समस्याओं की बात कर रही हैं, आइए। क्या नाम है आपका? सुकंतला। मेरा नाम है सुकंतला। सुकंतला जी कितने गुस्से में क्यों आप यहाँ के विधायक से? भैया विधायक तो ही ना है, हम तो जितने भी यहाँ सरकारी कर्मचारी हो या कोई बिजली कर्मचारी हो, हम तो सबसे दुखी है। क्यों दुखी? सभी दुनिया छोड़ के अजरोंदे के पीछे पड़ी रहे करके राजी ना। ये सड़क खुद ही खोद रखी 15 दिन हो गए हम खुदे। अच्छा। 15 दिन तो इतने परेशान हो रहे हैं, जब कोई ठिकाना ना, मोटरसाइकिल भी ना घर में जा रही है ना आ रही है, एक बेर कोई निकाल ले तो दोबारा मान ले जाए।